हेलो, गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। दिस इज उदय एंड यू आर वॉचिंग योर फेवरेट चैनल डिवोटेड क्लासेस। वंस मोर यू आर मोस्ट वेलकम इन टू योर फेवरेट चैनल डिवोटेड क्लासेस। प्रिय भाइयों और बहनों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। और मैं हूँ उदय, एक बार फिर से आपके बीच में उपस्थित हूँ एक अन्य वीडियो के साथ। फिगर्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आज हम सीखने जा रहे हैं ओना मेटाफिया। वैसे तो फिगर्स बहुत ज़्यादा हैं, कम से कम 50-60 तो होंगे ही। उनमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं पहले आपको हम देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको सिमिली, मेटाफॉर, ऑक्सीमोरन, पर्सनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफी कई हमने पढ़ाए हैं। अब हम आपको देने जा रहे हैं ये ओना मेटाफिया क्या है। फाइन, शाब्दिक अर्थ इसका लगाएंगे तो ओना मेटाफिया माने होता है ध्वनि सूचक, ध्वनि मीन्स आवाज। ओके, परिभाषा हमने लिखी यहाँ पर, दिस इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग। मतलब ऐसा ही अलंकार है, फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें साउंड से ही सेंस का पता चल जाता है, यानी साउंड से ही सेंस क्लियर हो जाती है। क्लियर, यूं कह लीजिए कि सब्जेक्ट का या कर्ता का ज्ञान केवल साउंड से ही स्पष्ट हो जाता है। ओके, इसे कहते हैं हम ओना मेटाफिया। बाकी एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं आप, बर्ड्स चर्प, चिड़ियाँ चहचहाती हैं, डॉग्स बार्क, गर्ड्स ब्लीट, स्नेक्स हिस, कॉइंस जिंगल, चिल्ड्रन क्राई। ओके, तो ये सारी जो साउंड जो है से ही पता चलता है कि एक कौन क्या कह रहा है या कहने वाला कौन है। जैसे आप कमरे के अंदर हों और कमरे के अंदर एक बच्चा हो, आप बाहर हों, फाइन, और बच्चा लगे चिल्लाने, रोने लग जाए जोर जोर से, तो अभी आपने कमरे में अंदर प्रवेश नहीं किया, बाहर से ही समझ गए कि बस करो कोई बच्चा रो रहा है। या आप अपने कमरे के अंदर हैं, बाहर कुत्ते शुरू कर दिए भौ 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 लगे करने, और आप समझ जाओगे कमरे के अंदर से ही कि बस करिए कुत्ते वहाँ पर भौंक रहे हैं। तो कुत्तों का सेंस कहाँ चला पता? बस साउंड से चल गया। बच्चे का सेंस कहाँ चला? उसके रोने की आवाज़ से चला। इसी का नाम है ओना मेटाफिया, इसी का नाम है ओना मेटाफिया। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा समय देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा कहीं आ जाए कि केवल साउंड से ही जो है सेंस क्लियर हो जाए तो उसे कहेंगे हम यही ओना मेटाफिया। ओके, द वाइंड्स विल बी ब्लोइंग एट ऑल आवर्स। एग्जाम्पल, विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। द वाइंड्स विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स। एग्जाम्पल हमने दिया, कहाँ दिया है? विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्थ की पोएम जिसका नाम है द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। उसी में से मैंने ये लाइन ली है, ये सोनेट है जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, उसकी एक लाइन हमने लिया है यहाँ पर, द वाइंड्स विल बी हाउलिंग। देखिए, वाइंड्स को हाउलिंग की बात कर रहे हैं, यानी आवाज। तो यहाँ क्या हो गया? यही ओना मेटाफिया। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको बताया ओना मेटाफिया क्या हुआ करता है। आई थिंक नो प्रॉब्लम, इट्स वेरी इजी, लेट्स प्रोसीड। आई हैव टू कवर सो मैनी फिगर्स ऑफ स्पीच। कीप ऑन वॉचिंग, डोंट गो एनीवेयर इफ यू वॉन्ट कंप्लीट कमांड ओवर द फिगर्स ऑफ स्पीच। अच्छे से समझें, बहुत काम का है, चाहे वो TGT PGT का एग्ज़ाम हो, चाहे वो KVS, चाहे NVS, चाहे जूनियर या प्राइमरी या आपका और भी कोई कंपटीशन जो इंग्लिश से रिलेटेड है, हर जगह इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छे से समझें इसे। आइए देखें हम अगला फिगर ऑफ स्पीच, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, जल्दी से नोट कर लीजिए।
या तो स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़े। अगला होगा एंटीथीसिस। एंटीथीसिस बहुत ही काम का फिगर ऑफ स्पीच है, बहुत क्वेश्चन इसे पूछे गए हैं। ये क्या होता है? व्हेन एटलीस्ट टू क्लोजेस आर रिटन सेपरेटली, टू क्लोजेस मीन्स अपोजिट, व्हेन टू अपोजिट क्लोजेस आर प्लेस्ड सेपरेटली, ओके, टू क्रिएट इफेक्ट, इट इज कॉल्ड एंटी थीसिस। लिख सकते हैं, व्हेन एट लीस्ट टू कंट्रास्टेड, CONTRASTING, कंट्रास्टिंग क्लोजेस, कंट्रास्टिंग आइडियाज, यू कैन से बेटर कंट्रास्टिंग आइडियाज आर प्लेस्ड सेपरेटली, सेपरेटली इन ए सेंटेंस, इन ए सेंटेंस टू क्रिएट इफेक्ट, इट इज कॉल्ड एंटी थीसिस। क्या होता है इसमें? जब दो विरोधी जो आइडियाज होंगी सेपरेटली उसको किसी सेंटेंस में रखा गया होगा, एक दूसरे को पूछ करते रहेंगे और साथ ही साथ उसको प्रभावी बनाने के लिए ऐसा किया गया होगा, टू क्रिएट व्हाट इफेक्ट, प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जो अपोजिट विचार होंगे एक साथ रखे गए होंगे, बिल्कुल सेपरेट दिखेंगे, अलग क्लासेस होंगी, फाइन, और जब एक दूसरे के अपोजिट होंगे वो, और उससे थोड़ा कविता में ज़्यादा प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा, उसे कहेंगे हम एंटी थीसिस। एग्जाम्पल, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। सेकेंड एग्जाम्पल, मैनी आर कॉल्ड, फ्यू आर सेलेक्टेड, दिस इज द बेस्ट ऑफ टाइम, दिस इज द वर्स्ट ऑफ टाइम। गिव एवरी वन योर ईयर बट इफ यू योर वॉइस, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, हमने आप यहाँ पर चार एग्जाम्पल दिए हैं। एग्जाम्पल क्या है? मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। देखिए ध्यान से, एक क्लोज है मैन प्रपोजेस, दूसरा है गॉड डिस्पोजेस, दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिखने हैं, दे आर अपोजिट टू ईच अदर और कंट्रास्टेड हैं, विरोध करें दूसरे का, लेकिन इससे
एक इफेक्ट पैदा हो गया है, ठीक है, कविता में थोड़ा सा इफेक्ट पैदा हो गया है, यानी वो ज़्यादा प्रभावी हो गई है। फाइन, प्रपोज और डिस्पोज दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं। हिंदी में इसका वर्जन है, अगर कहें हिंदी में, तो मेरे मन कुछ और है कर्ता के कुछ और, दोनों अपोजिट हो रहे हैं। मैं कुछ और सोच रहा हूँ, भगवान कुछ और सोच रहे हैं, भगवान कुछ करते हैं मैं कुछ करता हूँ, दोनों में कोई समानता नहीं मिल रही है। कहानी मतलब ये दो क्लॉजेज हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दो आइडियाज़ हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, साइड बाई साइड रखे गए हैं ताकि इसमें इफेक्ट उत्पन्न हो जाए। इसी का नाम है क्या, एंटी थीसिस। क्लियर, एक्चुअली एंटी थीसिस मीन्स होता है अपोजिट, विरोध। फाइन, ना विरोध होगा, वो विरोध होगा, लेकिन विरोध ऐसा होगा जहाँ पर दो क्लॉजेज होंगे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, बिल्कुल कंप्लीट क्लॉजेज होंगे। यहाँ पर दो आइडिया होंगी, दोनों सेपरेट दिखेंगी, देखिए यहाँ सेपरेट दिख रही, और वैसे बाहर से देखने में बिल्कुल उल्टा लगेगा, लेकिन उसका एक सेंस होगा, और ऐसा सेंस बहुत ही इफेक्टिव सेंस होगा, इसी कहते हैं एंटी थीसिस। दूसरा देखिए, मेनी आर कॉल्ड, फ्यू आर सेलेक्टेड, बहुत लोगों को बुलाया जाता है, कुछ को ही जो सेलेक्ट किया जाता है। मान लो कहीं इंटरव्यू है किसी जॉब के लिए, तो उसमें कई लोग बुलाए जाते हैं, हजार लोग आते हैं, सेलेक्ट कितने जाते हैं, दो चार लोग। तो भैया नियम तो यही था कि जितना बुलाए गए सबको सेलेक्ट करते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो देखने में थोड़ा अकवर्ड लग रहा है, लेकिन अपोजिट दूसरे का है, लेकिन साथ में एक इफेक्ट भी उत्पन्न कर रहा है, एक सेंस भी दे रहा है कि नहीं, एक सेंस भी ये दे रहा है। सत्य बात है कि भाई अब सबको तो रखेगा नहीं, उतनी जगह तो है नहीं, कहाँ रखे, कितने को रखेगा। अगर किसी स्कूल में पोस्ट मात्र 5 है टीचर की और 50 आ गए तो कितने को रखेगा, वो मजबूरी है, 5 ही रखेगा ना। तो इस तरह से ये सत्य भी तो है तो कंट्रास्टेड, लेकिन एक मीनिंग भी ये दे रहा है, साथ में थोड़ा सा इफेक्ट भी इसके उत्पन्न हो गया है, इसी का नाम है एंटी थीसिस। आइए देखें तीसरा एग्जांपल, दिस इज द बेस्ट ऑफ टाइम, दिस इज द वर्स्ट ऑफ टाइम, बहुत फेमस एग्जांपल है। ये जो एग्जांपल लिया गया है, चार्ल्स डिकेंस का एक नॉवेल है, अ टेल ऑफ टू सिटीज, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर आधारित है। उसमें ये लाइन आती है, शुरुआत का ही लाइन है ये, जस्ट स्टार्टिंग लाइन से ये, यहाँ पर कहता है दिस इज द बेस्ट ऑफ टाइम, दिस इज द वर्स्ट ऑफ टाइम, ये सर्वोत्तम समय ही है और यही सबसे खराब समय भी है। बताइए, सर्वोत्तम और सब खराब दोनों ही अपोजिट हैं दूसरे के टर्म, लेकिन कंप्लीट क्लॉज यहाँ भी है, कंप्लीट क्लॉज यहाँ भी है, हाँ एक दूसरे के अपोजिट हैं, दो आइडियाज हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, और यहाँ पर सेट किए गए हैं किसके लिए, ताकि कविता में क्या हो जाए, एक ज़्यादा इफेक्ट उत्पन्न हो जाए, इसका नाम है एंटी थीसिस। तीसरा देखिए, गिव एवरी वन योर ईयर्स बट इफ यू योर वॉयस, क्या अर्थ है इसका, प्रत्येक को अपने कान दो, कान का थोड़ी कान काट के उनके सामने रख दो, इसका मतलब नहीं कान काट के रख दो, इसका मतलब है कि तुम सुनो, हर आदमी की सुनो, कहते ना सुनो सबकी वाली करो अपनी वाली, वही बात यहाँ कह रहा है। यहाँ पर हैमलेट जो ड्रामा है विलियम शेक्सपियर का, उसमें एक कैरेक्टर है पोलोनियस, फाइन, पोलोनियस जो है अपने बेटे को बहुत कुछ समझाता है, नीति की बातें, लर्टेस उसका बेटा होता है, उसको बहुत कुछ समझाता है, फाइन। तो ये उसके उपदेश दिए गए हैं उसको, गिव एवरी वन योर ईयर्स, हर आदमी को अपने कान दो, यानी कि सबकी बात सुनो, लेकिन करो क्या, बट इफ यू योर वॉयस, लेकिन आवाज़ बहुत कम को दो, इसका मतलब है अधिक सुनो और कम बोलो, फाइन। सो दोनों अपोजिट साइड बाई साइड रखे गए हैं, कंट्रास्ट है, लेकिन एक सेंस दे रहा है, अच्छा सेंस दे रहा है, और कविता थोड़ी या सेंटेंस या आइडिया थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव हो गई है, इसी का नाम है एंटीथीसिस। ओके, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, डिवाइडेड वी फॉल, यूनाइटेड वी राइज, यूनाइटेड वी राइज एंड डिवाइडेड वी फॉल। ओके, इस तरह से बहुत से आपको सेंटेंस देखने को मिलेंगे। ये था आपका फिगर स्पीच जिसका नाम है एंटी थीसिस। तो प्यारे भाइयों बहनों, आज मैंने आपको समझाया एक एंटी थीसिस, उसके पहले मैंने बताया आपको ओना मैटर पिया, और दोनों ही अच्छे
फिगर सिक्स हैं, इसे आप अच्छे से समझें और इसका प्रैक्टिस अधिक से अधिक करें। चाहते हैं परीक्षा पास करना, टीचर बनना चाहते हैं सब लोग? बिल्कुल, कौन नहीं चाहेगा भाई, कौन नहीं चाहेगा टीचर बनना। आजकल टीचर बनने मतलब आई एस पी सी एस के बराबर है, सैलरी में कोई कमी नहीं है, आराम का मामला है, सब चाहते होंगे। तो अच्छे से पढ़ो भाई, वीडियो शुरू से अंत तक देखें। अगर हमारे सेंस को अच्छे से समझना है या हमारे कंसेप्ट को अच्छे से समझना है तो शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखें। और हाँ, तो देखा होगा जरूर आप लोगों ने, अच्छे बच्चे हैं आप लोग, अच्छे भाई बहन हैं, क्यों नहीं देखेंगे, आपके फायदे की चीज़ है ना। तो चलिए, देख लिए होंगे। और इस तरह से आज हमने एंटीथीसिस और ओनोमेटोपिया दो फिगर स्पीच बताए। सो समझ गए होंगे, सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल व्हाट आई टोल्ड यू। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर कमेंट, ओके। एंड इफ यू एनी क्वेरी एनी डाउट यू कैन राइट डाउन माय कॉन्टैक्ट नंबर 8953063755। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, किसी भाई बहन को अगर कोई दिक्कत कहीं पर हमारी क्लास से होती हो तो आप इस पे पर्सनली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भाई बहन मिलना भी अगर चाहता हो, आई एम राइट नाउ वर्किंग विथ सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरामपुर रामनगर, यू कैन मीट मी पर्सनली, ओके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अंटिल आई मेक अदर वीडियो एंड अपलोड इट, यू वेर एवर लिव कीप ऑन लाफिंग एंजॉइंग योर लाइफ प्रैक्टिसिंग मोर एंड more. Now it's time to say bye bye, see you, take care.